guys and welcome back to my channel. This is Himanshi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really really great. So guys, aaj main ja rahi hu Bangalore layover ke liye, but I'm operating three sectors guys, three sectors with the minimum layover, like just 16 hours. Bas sona hai, uthna hai aur wapas aana hai. Matlab koi excitement nahi kisi bhi layover ke liye, kyunki yaar matlab char aap sectors operate kar rahe ho, like क्या ही बताओगे, बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं. एंड आफ्टर ऑपरेटिंग थ्री सेक्टर्स आई थॉट टू कम लाइव विद ऑल ऑफ यू. सो अगर मेरे अंदर जान एनर्जी बची तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लाइव आऊँगी, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ कमेंट्स जो आप लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ लाइव आ जाओ यार काफ़ी दिनों के. सो या आई विल बी कमिंग लाइव विद ऑल ऑफ यू और देखते हैं कि मैं लाइव आ पाती हूँ या पाती. कोशिश तो पूरी रहेगी कि मैं लाइव आ जाऊँ, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट रात में पहुँच रहे हैं. उसके बाद फिर यू नो कितने बजे पहुँचेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से जो वो है क्या बोलते हैं होटल है, एक घंटे डेढ़ घंटे की दूरी पर है. सो क्योंकि प्रॉपर सिटी के अंदर है एयरपोर्ट होटल, सो लेट्स सी कितना टाइम लगेगा. लाइक दो तीन बजे पहुँचेंगे सुबह, और सेम टाइम लाइक शाम को हम निकल रहे हैं होटल से, भी लाइक 4:30-5 बजे निकल जाएंगे. सो गाइस अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर यू. सो लेट्स सी कैसा रहता है. और अभी चलते हैं यार, अभी हम फंसे हैं वापस से दिल्ली के ट्रैफिक में. जैसे मैंने वीडियो बनाई थी यार, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है. उस दिन भी लास्ट मैं निकली थी 4 घंटे ट्रैफिक में फंस के. सर आप भी ट्रैफिक में फंस के आए थे जी मैम, है ना, बहुत सारा ट्रैफिक था ना. सो क्या सर भी ट्रैफिक में फंसते हुए आए, तो अभी हम ट्रैफिक में फंसते हुए जाएंगे. डेढ़ डेढ़ घंटे पहले निकलो घर से बाहर. सो Let's see. So, see you at the airport. Bye. So guys, हम दो सेक्टर ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हैं और अब रह गया हमारा लास्ट सेक्टर. अभी बीच में था 3 घंटे का हॉल्ट, सो हम लोग गए थे लाउंज. सो लाउंज में हमने खाना खाया, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव कन्फ्यूजन कि लाउंज का जो खाना होता है कि हमें पे करना पड़ता है, नहीं कंपनी की तरफ से होता है ये. जो प्रॉपरली आप जो लाउंज जाते हैं वो कंपनी ही ऑलरेडी पे करती है उसका. ठीक है गाइस, आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी. और अब हम पहुंच चुके हैं गाइस बैंगलोर, और सबसे बेस्ट चीज़ बैंगलोर की ये है यार, एक तो यहाँ के लोग और ऊपर से दूसरा यहाँ पे वेदर. भाई वेदर तो बस क्या ही पूछो, मतलब प्यार हो जाता है वेदर से यार. मन करता है अपने दिल्ली ले आओ बैंगलोर के वेदर को. भाई बहुत ही मस्त वेदर है दिल्ली में, तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है इस टाइम पर. और हाँ जी, तो अभी ट्रैफिक में बिल्कुल भी नहीं है बैंगलोर में, मस्त हम पहुँचे होटल. होटल पहुँचने के बाद गाइस हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था खाना, और खाना ऑर्डर करने के बाद हमने बस अब रेस्ट करने की चाहत है. अंदर से अब जाके रेस्ट करेंगे गाइस. और बाकी आप रूम व्यू देख सकते हो, ये है हमारा रूम व्यू. और बाकी आपसे मैं थोड़ी बहुत तो बात करूँगी अभी, लेट्स सी. तो गाइस फाइनली आई हैव रीच्ड लेओवर पे, और लिटरली यार 2 बज रहे हैं रात के, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ. भूख बहुत ज़ोर की लग रही है. और गाइस एक बात बोलना चाहूँगी यार, कि आप जब भी कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो ना, आई वॉज जस्ट देयर लाइक रिसेप्शन पे, और देर वॉज वन पर्सन हु वॉज शाउटिंग एट द स्टाफ. सो यार रिसेप्शन में आप वेट कर रहे हो, इतनी देर से वो क्यों नहीं मिला है, मुझे रूम क्यों नहीं मिला है, इतना देर वेट क्यों करना पड़ रहा है. बस ये बोलना चाहूँगी यार, हर इंसान थका हुआ है पहली बात तो ये. दूसरी बात ये यार, हर कोई कोशिश कर रहा है, उसको कौन सा अपना रूम जो है होटल का रूम घर थोड़ी लेके जाना है, नहीं लेके जाना ना. सो मैं वही बोल रही हूँ यार, किसी की कोई इंसान जो काम कर रहा है ना, उसकी मजबूरियों का फ़ायदा मत उठाओ. उनको उन चीज़ों के लिए कोसना डांटना ये सब करना बंद करो यार. ये सब अपने घर जाके क्या करो, सिंपल सी बात है. और आई नो तुम लोगों ने पैसे दिए, आई नो पैसे दिए, आई नो यार हर एक चीज़ होती है, बट ये बस ये बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट ना सामने वाले इंसान की ना रिस्पेक्ट करो. तुम सब छोड़ो, बस रिस्पेक्ट करो सामने वाले इंसान की, कि भाई कोई इंसान काम कर रहा है ठीक है. और रिस्पेक्ट करना प्यार से, वही चीज़ प्यार से भी कही कही जा सकती है. चिल्लाना ज़रूरी, रात के 2 बज रहे हैं यार, उसके ऊपर इंसान के ऊपर चिल्ला रहे हो, इंसान पहले से इरीटेटेड है, ऊपर से तुम और उसे नींद आ रही है, ऊपर से तुम और इरीटेट कर रहे हो. लिटरली आई सेड सॉरी टू दैट गाय, सुनो दूसरे कान से निकाल दो, बस यही कर सकते हैं. बट लिटरली आई फेल्ट बैड यार, मतलब क्यों करते हैं लोग ऐसे, मेरे को समझ नहीं आता. व्हाई डू दे डू इट, आई मीन घर जाके फ्रस्ट्रेशन निकालो ना यार, तुम बाहर वाले लोगों पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो. आई जस्ट डोंट लाइक दैट, लिटरली आई डोंट लाइक दैट यार. पर्सनली मेरे को वो चीज़, मेरे को यार जो भी दिल को लगता है ना, मैं आपको आके बोल देती हूँ, बस सिंपल सी चीज़ है. और वैसे यार सुबह मिलूँगी मैं आप लोगों से, अभी जा रही हूँ मैं चेंज करने के लिए. सो या गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो गाइस मैं अभी हुई हूँ आप लोग के लिए रेडी, और जैसे जैसे मैं रेडी हुई उसके चक्कर में इतना ज़्यादा सामान सारी जगह फैल गया है. एक वीडियो बनाने के चक्कर में ना ये ज़रूर है कि आपका सारा सामान इधर से उधर फैल जाता है. और मेरे पास
हमेशा की तरह बहुत ही कम टाइम बचा है और मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, रेडी होना है, खाना वाना खा लिया है। थोड़ा सा यार बीच में इशू रहा था मुझे डेफिनेटली, क्योंकि होटल स्टाफ इज नाइस बट थोड़ी सर्विसेज में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। जैसे मैं कल रात में आप लोगों को कह रही थी कि डेफिनेटली मतलब बेफालतू की चीज़ों में मत डांटो, बट डेफिनेटली यार यू नो आई टेल यू द इशू। मेकअप भी रख रही हूँ साथ साथ में कि भूल ना जाऊँ यहाँ पे कोई भी सामान। हाँ जी सो या सो मैं जैसे मैं आपको बोल रही थी कि हम लोगों ने पूरा ट्राई किया भाई, रात में हमने खाना ऑर्डर किया, ठीक है। तो रात में जब खाना ऑर्डर किया था वो खाना आया भाई 3 घंटे के बाद। कैन यू जस्ट इमेजिन, मिडनाइट 2 बजे पहुँचे, उसके बाद 3 घंटे के बाद आपका खाना आ रहा है। आप इतने ज़्यादा खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो पहले से थके हुए, ऊपर से 3 घंटे के बाद खाना आ रहा है, यू नो यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो मैं इसमें एयरिंग्स पहनूँ या रहने दूँ, ओवर हो जाएगा क्या, पहनो चलो रहने देते लेट भी, हाँ तो कॉन्सेंट्रेट। सो मैं क्या कह रही थी, हाँ 3 घंटे के बाद खाना आया, चलो ठीक है वो भी इग्नोर कर दे, चलो हो जाता है कोई बात नहीं। सो व्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बहुत ही प्रिटी और सुंदर व्यू है, वाओ मतलब जन्नत बोलते हैं इसको, जन्नत, बहुत ही प्यारा व्यू है। सो हाँ जी, उसके बाद गाइस मॉर्निंग में हम जब उठे तो ब्रेकफास्ट हम लोग नहीं कर पाए थे बिकॉज हम ऑलरेडी टायर्ड थे, 5:30 बजे सोए यू नो, तो इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो हम लोगों ने सिर्फ फ्रूट्स ऑर्डर करे और बेकरी बास्केट ऑर्डर किया, एंड देन व्हाट हैपन कि बेकरी बास्केट भी 3 घंटे के बाद आई, वो भी रिसेप्शन पे रखी हुई है, और फ्रूट्स भी 6 पीस आए थे फ्रूट्स के, वो भी 3 घंटे के बाद आए हैं। यार इतने ज़्यादा हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो मैंने अपने तो कंपनी वालों को कॉल किया और फिर उनको ये चीज़ बोली, और स्पेशली जो भी लोग अब बींग अ कैबिन क्रू आप लोग जो भी लोग आ रहे हो, सो कभी भी आप कोई भी इशू फेस करते हो, येस योर कंपनी इज ऑलवेज देयर, सो प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करो, मेल करो, उनको बताओ क्या इशू फेस कर रहे हो, और कभी भी ये चीज़ सोचोगे कि भाई चलो लेट इट बी कोई बात नहीं, तो हमेशा आपको सेम ही होटल मिलता रहेगा ऑलवेज, सो यू हैव टू रेज योर कंसर्न। सो सेम मैंने कॉल किया, उनको बोला कि भाई मुझे इन रूम में खाना चाहिए, मैंने बिना खाना खाए गाइस मेरे हेडेक होने लग गया, सर दर्द होने लग गया गाइस, सही बता रही हूँ। और उसके बाद भी, और वैसे मैं ड्रेस दिखा देती हूँ, सो दिस इज माई ड्रेस, हाँ जी। सो मेरे सर दर्द होने लग गया इस पूरे रूम में, मैं अकेली हूँ और ऑलरेडी मैं आई वॉज राइटिंग अ कॉन्टेंट फॉर यू कि क्या लिखना है, मेल वेल किया उन लोग कंपनी वालों ने, बताया उनको, बोला कि भाई खाना वाना दो, क्या कर रहे हो तुम लोग भी। सो जब रिसेंटली अभी रिसेंटली चेंज हुआ है बैंगलोर में होटल, ऑल दो मैं होटल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बेखाम की चीज़ों पर मैं लड़ना खुद नहीं चाहती हूँ, मुझे खुद नहीं पसंद, बट इन चीज़ों पर आ जाता है कभी कभी। तो दिस वॉज अ स्मॉल थिंग वॉट हैपन्ड इन माई डे, रात मिडनाइट हर जगह, सो अच्छा आप लोग को बता दूँ, शेयर कर लूँ। सो जी अब हम बढ़ते हैं आगे और मैं बनाने जा रही हूँ वीडियो, आपको मिलती हूँ मैं बाद में क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा। सो गाइस फाइनली माय डे एंड्स एंड आई एम गोइंग होम, पर अभी भी मेरे काम खत्म नहीं हुआ है यार। सो फाइनली खुशी हो रही है घर जाने की बहुत ज़्यादा, अब छुट्टी है मेरी और मैं जाऊँगी शॉपिंग पे बल्ले बल्ले। सो या Let's go home.